ई कॉमर्स कंपनियों की सरकार की एफडीआई नीति का पालन नहीं किए जाने के विरोध में कैट देश भर के सांसदों को ज्ञापन सौंप रही है और इसी क्रम में कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी के नेतृत्व में रायपुर सांसद सुनील सोनी को भी ज्ञापन सौंपा गया है और इस दौरान कैंट की छत्तीसगढ़ इकाई के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने कैंट को भरोसा दिलाया है कि वो उनकी बात वित्त मंत्री तक पहुंचाएंगे और आगामी लोकसभा के शीतकालीन सत्र में भी ये बात रखेंगे ताकि देश में समान व्यापार हो सके। कैट ने आज भेंट की है, ई कॉमर्स पॉलिसी को लागू करने की बात की है ताकि देश में एक समान व्यापार हो। कैट की बात को हम वित्त मंत्री जी तक के, सरकार तक के हम उसको पहुंचाएंगे और बातचीत होगी। एक अच्छा व्यवसाय देश के अंदर में होना चाहिए, ये अपने प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी सबकी इच्छा है और सुझाव आते हैं, उस पर अमलीकरण भी होते हैं। ई कॉमर्स पॉलिसी में एक्चुअली ये पिछले काफी समय से मांग हो रही है, जब से मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान में आके जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और एक भेदभाव का वातावरण निर्मित हो गया है जिससे 7 करोड़ छोटे व्यापारी जो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और जो 28 करोड़ उनके यहाँ जो स्टाफ साथ में जुड़े हुए हैं, करीब 35 करोड़ लोगों का भविष्य एक क्वेश्चन मार्क में आ गया है। ये लोग कोई भी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं।